अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ इशाल और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल, माश की दाल, जिसके लिए मुझे प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए और पिसी हुई हरी मिर्चें चाहिए, अदरक चाहिए पिसा हुआ और पिसा हुआ लहसुन चाहिए। और यहाँ मैंने बॉयल की हुई दाल ली थी, जैसे हम चावल बॉयल करते हैं एक अनी कच्ची रखते हैं वैसे ही रखी थी। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, कुटी हुई मिर्चें ली हैं 3 से 4 गोल मिर्चें ली हैं, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने वेसल में 2.5 सर्विंग स्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा, और 5 गोल मिर्चें ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि इस दाल में ऑयल जो है वो ज़्यादा डलता है। और मैंने घी इस्तेमाल किया है, घी में बहुत अच्छी बनती है ये। बस इसको हल्का सा मैं पकाऊंगी, ज़्यादा पकाऊंगी तो और हल्का सा फ्लेम रखना है आपको, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना जिससे ये जल ना जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी जल जाती हैं। अब मैं इसमें अपने अनियन ऐड करूँगी। देखिए, चॉप की हुई एक अनियन ली थी मैंने, उस बारीक बारीक चॉप कर ली है। अब इसको बस सॉटे करना है, ब्राउन नहीं करना, आपने येलो शेड देना है इसे। तो देखिए, बस इतना ही हम करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें पिसी हुई हरी मिर्च ऐड की है। अदरक इसलिए हमने ज़्यादा ऐड किए क्योंकि ये बादी होती है दाल, तो इसलिए आप इसमें अदरक और ज़ीरे का लाजमी इस्तेमाल करें। दो से तीन मिनट हो चुके हैं इसको सॉटे होते हुए। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर देखिए हमारे मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, सारे मसाले जो थे वो 1 टेबल स्पून लिए थे। हल्दी जो थी 1/4 टीस्पून ली थी मैंने, मतलब 1/4 टीस्पून, और जो नमक था वो मैंने 1 टीस्पून लिया था, क्योंकि मैंने इसमें भी ऐड किया था दाल में भी जब बॉयल करते हुए। और इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार मार के आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, ये देखिए मसाला बन चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम अपनी दाल ऐड कर देंगे और ये दाल मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से धोकर और इसको मैंने भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करते वक्त इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। अब इसे अच्छी तरह से हिला लूँगी मैं। और व्यूअर्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिन चीज़ ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया करें, मेरे साथ दोबारा ऐसा हो चुका है, तो प्लीज़ मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करती, तो प्लीज़ आप भी मत ऐसा किया करें, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि हमें तो नहीं पता चल रहा कि कौन हमें अनसब्सक्राइब कर रहा है, लेकिन अल्लाह पाक तो देख रहा है ना। प्लीज़ आप ऐसा मत किया करें, किसी के साथ भी ऐसे धोखाबाजी मत किया करें। आप अपने सब्सक्राइब गेन करने के लिए दूसरों को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इसको मैं दाल को रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको देख लूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी मैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया, ताकि अगर जो एक इसकी कनी कच्ची थी वो भी इसकी गल जाए अच्छी तरह से दाल की, और दाल बिल्कुल अलग अलग बने, खिली खिली बने। तो इसको फिर मैं हल्की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर पानी हमारा जो है वो खुश्क हो चुका है इसमें, और मैं उस नमाज पढ़ने चली गई थी और थोड़ी सी ये नीचे लग गई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि ये बच गई।
और वीडियो भी बन चुकी थी। इसमें अब मैं अपनी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ और अदरक भी ऐड कर रही हूँ, कटा हुआ अदरक। अब इसको फिर मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी माश की दाल बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किए या जिसको भी अनसब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करवा कर खुद को, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि ऐसी धोखाबाजी मत किया करें। अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है, हम नहीं देख रहे तो अल्लाह पाक सब देख रहा है। और मैंने उनको अनसब्सक्राइब नहीं किया जिनको मैंने सब्सक्राइब किया था। किचन में दिलशाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।